दुनिया में कोरोना से लोगों का हाल बेहाल, कोरोना काल में कैसे हुआ चीन का सुधार, चीन ने गरीबी पर पूरी तरह से जीत कैसे की हासिल, चीन क्या वाकई बन गया है गरीबी मुक्त देश। नमस्कार, मैं रुचि पांडे दुनिया दरबार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस समय पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। कई देशों में तो दोबारा से लॉकडाउन लगा दिया गया है और कई देशों में इस पर विचार भी किया जा रहा है। देशों में लगे लॉकडाउन और कोरोना महामारी के कारण उनकी आर्थिक स्थिति धरातल में चली गई है। कई देश घोर अकाल और भुखमरी का सामना भी कर रहे हैं। लेकिन बड़ी हैरानी वाली बात है, कोरोना को जन्म देने वाले देश यानी चीन ने एक बड़ी चौंकाने वाली घोषणा कर दी है। दरअसल राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन ने 77 करोड़ लोगों का आर्थिक स्तर में सुधार कर अपने देश से गरीबी पूरी तरह दूर कर दी है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि चीन ने कोरोना काल के बीच अपनी आर्थिक स्थिति कैसे सुधार ली, कहीं इसमें चलाक चीन की कोई साजिश तो नहीं, इसी पर करेंगे आज हम चर्चा। 25 फरवरी को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक घोषणा करते हुए कहा कि हमने चीन में चल रही गरीबी के खिलाफ लड़ाई में बेहतर प्रदर्शन करते हुए इस लड़ाई में पूरी तरह से जीत हासिल कर ली है। शी जिनपिंग ने कहा कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है, चीन की ये उपलब्धि इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। दुनिया भर में सबसे अधिक 1.4 अरब आबादी वाले देश ने जिस सूझबूझ के साथ गरीबी उन्मूलन में सफलता हासिल की है, ये यकीनन सराहनीय है। चीन ने तो यहाँ बड़े दावे के साथ ये भी कह दिया कि अब चीन ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोई व्यक्ति गरीबी का सामना नहीं कर रहा है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र की गरीबी मुक्त लक्ष्य को हासिल करने में 10 साल पहले ही सफलता हासिल कर ली है। डिगे हाँकने वाले चीन ने तो यहाँ तक कह दिया कि 1970 के आखिर में शुरू किए गए कार्यक्रम से लेकर अब तक दुनिया भर में अकेले 70% गरीबी को अकेले चीन ने ही दूर किया है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो चीन में अब सब कुछ आराम से ठीक ठाक चल रहा है। यानी खाना पीना, शिक्षा, सेहत, सभी सुविधा हर व्यक्ति के पास उपलब्ध है। कोरोना काल के बीच ऐसा दावा करने वाला चीन अब पहला देश बन गया है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि 2012 में जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सत्ता में आए थे, तब 100 मिलियन लोग गरीबी का सामना कर रहे थे। लेकिन अचानक चीन में ऐसा क्या हुआ जो गरीबी एकाएक खत्म हो गई? हालांकि जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से निपटने का प्रयास कर रही थी, तब भी चीन ने यही दावा किया था कि अब एक भी गरीब उनके देश में नहीं है। चीन में एक जगह है, नाम है ग्यूजोव, जहां सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली आबादी रहती है। उसे भी कोरोना काल में चीन ने गरीबी मुक्त बता दिया था। चीन में अगर गरीबी पूरी तरह से हट गई है तो इसके कुछ मानक हैं। जैसे पहला मानक ये है कि अब चीन में हर किसान की मासिक आय 4,000 युआन होनी चाहिए। दूसरा मानक है चिंता मुक्त होना, यानी अब चीन में किसी भी परिवार को खाने पीने और रहने की चिंता नहीं होगी। तीसरा मानक है गारंटी उच्च शिक्षा की, स्वास्थ्य की, हाउसिंग सिक्योरिटी की। शी जिनपिंग इन सभी मानकों पर खरा उतरने का लगातार दावा कर रही हैं। लेकिन इन सभी बड़े दावों के बीच चीन से एक खबर सामने आई है। चीन में अनाज की कमी हो गई है और भुखमरी की हालात भी बन गए हैं। अनाज की कमी के कारण चीन में कई अनाज निर्यात संबंधी एग्रीमेंट भी रद्द कर दिए गए हैं। चीन ने अन्न की मांग को पूरा करने के लिए, सप्लाई की मांग को पूरा करने के लिए दूसरे देशों से जमीन भी उधार लेना शुरू कर दिया है। अगर चीन में हालात इतने खराब हैं तो चीन झूठे ही गरीबी से मुक्त होने का दावा क्यों कर रहा है? क्या चीन ये दावे कर झूठे ही अपने आप को विश्व शक्ति दिखाने की कोशिश कर रहा है? चीन की तो आदत सी बन गई है झूठ का प्रचार करने की। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसे संयुक्त राष्ट्र तो खुद ही जांच कर ही लेंगे। चलिए हम रुख करते हैं दिन की सुर्खियों की ओर। पहली सुर्खी, ब्रिटेन ने ISIS दुल्हन के नाम से विख्यात शमीमा बेगम को वापस लौटने की इजाज़त नहीं दी है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन की कोर्ट ने शमीमा बेगम को नागरिकता के लिए मुकदमा लड़ने को भी मना कर दिया है। बता दें कि शमीमा बेगम वही हैं जो 15 साल की उम्र में ISIS में शामिल होने के लिए सीरिया चली गई थी। दूसरी सुर्खी, नाइजीरिया में हथियारबंद आतंकियों के समूह ने एक स्कूल पर हमला कर दिया है, जिसमें 300 से अधिक छात्राओं का अपहरण कर लिया गया है। हालांकि इस घटना के बाद से ही लगातार यहां की खुफिया एजेंसियां मामले की जांच के लिए सक्रिय हो गई हैं। तीसरी सुर्खी,
कतर अपने श्रम कानून में बड़े बदलाव करने जा रहा है, जिससे कतर में काम करने वाले लाखों मजदूरों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कतर में शूरा काउंसिल ने अपने लेबर लॉ को पहले से और भी सख्त करने की सिफारिश को सौंप दिया है। अगर इसे मान लिया गया तो दुनिया भर के 26 लाख मजदूर और 10 लाख भारत के मजदूर प्रभावित होंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही, फिर जुड़ेंगे आपके साथ अन्य अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।